महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी 23 मई को स्वयं राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर गांव-गांव तहसीलों पर कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर कोविड प्रभावित क्षेत्रों में दवा भोजन मास्क आदि का वितरण किया जाएगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने बताया कि आला कमान के निर्देश पर एम्बुलेंस और उत्तेष्टि की व्यवस्था भी की जाएगी। कांग्रेस ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 7744-1801 भी जारी किया है के लिए किसी भी समय कॉल करके मदद मांगी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय भाजपा सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। मृत मरीजों के शवों को गंगा में बहाया जा रहा है। सेवाएं पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। आम आदमी रोजगार को लेकर परेशान है। आज आपने देखा जिस तरीके से आज हमारा देश इस संकट महामारी आपदा के समय में हमारे देश के लोग परेशानी का जो सामना कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी बहन प्रियंका गांधी जी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव, प्रत्येक तहसील, ब्लॉकों में हमारा प्रोग्राम है कि हम लोगों की मदद करें। और ये मदद आपने देखा, कांग्रेस पार्टी ने कभी सत्ता की लड़ाई, सत्ता के लिए जब जब इस देश पर कोई संकट की घड़ी आई है तो कांग्रेस पार्टी ने कुर्सी को कभी मायने नहीं दिया, सत्ता को कभी मायने नहीं देते हुए इस देश के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। इसी के संदर्भ में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी नेता बहन प्रियंका गांधी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में तमाम उत्तर प्रदेश के सारे ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में हम सैनिटाइजर करने का कांग्रेस के लोग काम करेंगे। हम तमाम बड़ी तादाद में जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे, चाहे खाने की बात हो, चाहे कच्चे राशन की किट की बात हो, मास्क के वितरण की बात हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, हम तमाम लोग हर ब्लॉक और ग्राम पंचायत में जो संभव होगा मदद करने का काम करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भाजपा की सरकार ने इन सब चीज़ों से अलग हटकर सिर्फ वो आश्वासन देने का काम कर रही है। उनका बयान आता है कि सब कुछ सही है, लेकिन आपने देखा चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे सही इलाज ना मिल पा रहा हो, चाहे अस्पतालों में बेड की कमी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम किया और देश की जनता के साथ खड़े होने का काम नहीं किया। तमाम देश की जनता आज, तमाम लोगों ने इस महामारी आपदा के समय में अपनी जानों को गंवाया है। सबसे पहले तो जो कोरोना इस काल में तमाम लोगों ने, इस देश के तमाम लोगों ने जो अपनी जान को गंवाया है, मैं तमाम सब लोगों को उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं और उनके परिवार के साथ जो इस संकट की घड़ी से गुजरे उनके साथ कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा है। ऐसी कामना हम उन लोगों के लिए कि वो स्वस्थ रहें कामना करते हैं। और इसी कड़ी में हमने जो हमारे नवनिर्वाचित BDC के सदस्य हों, ग्राम पंचायतों के हमारे प्रधान हों, जिला पंचायत के सदस्य हों, आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी का जो एक संदेश है, बधाई संदेश है, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाएंगे, उनको बधाई देने का काम करेंगे। और जो गांव में कोरोना काल में जो भारत की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो आंकड़े छुपाने का काम किया है, कितने लोग पीड़ित रहे, कितने लोगों ने किस गाँव में जान गंवाई है और इस बीमारी से ग्रसित ऐसे लोगों को हम सूची बनाने का भी काम करेंगे। और हम जो हमारी कोरोना किट है, हम दवाई वितरण का काम, सैनिटाइजर वितरण का काम, हम कल हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न प्राप्त हमारे नेता स्वर्गीय हमारे राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर हम तमाम इन कार्यक्रमों की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस कोरोना काल महामारी आपदा के समय में तमाम कांग्रेस के नेता, हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से मदद करते आ रहे हैं। हमने पिछली बार चाहे रसोई की बात हो, खाने वितरण की बात हो, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर के वितरण की बात हो और जो भी दवाई की बात हो, जो हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो मदद कर सकते थे हमने लगातार करने का प्रयास किया है। और हम मुखर होकर जब सरकार पीछे हट रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस चीज़ का बीड़ा उठाया है, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, दवाई वितरण की बात हो, हम तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर, हम जब सरकार पीछे हट रही है तो कांग्रेस पार्टी इस देश को बचाने के लिए, इस जिले को बचाने के लिए, इस प्रदेश को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आगे आ रहा है। और तन मन धन से,
जिस तरीके से हर संभव मदद होगी हम करने का प्रयास करेंगे, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी को लेकर आप लोगों के सामने बात करना थी और आपके माध्यम से ये बरेली की जनता को हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, जो भी परेशान व्यक्ति हैं, जो भी संभव मदद हो सकती है, एक एक पिछली पंक्ति में बैठा इंसान, गांव में निवास करने वाला कोई, चाहे मजदूर हो, ठेले वाले हों, तमाम ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। ये संदेश आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। हमारा जिले में हमने पहले ही हेल्पलाइन नंबर अपना जारी कर दिया था। आज हम तमाम अपने एक कमेटी बनाई गई जो हमारी हेल्प डेस्क नाम से जानी जाएगी। हम जनपद के तमाम नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को शामिल करके अपना वो कर रहे हैं और हमारे प्रत्येक ब्लॉक के अंदर हेल्पलाइन नंबर हमारा जारी होने जा रहा है और आज हम हर ब्लॉक में अपना ये नंबर जारी करके जो भी ब्लॉक का हमारा अध्यक्ष है उसके नेतृत्व में हम तमाम गांवों के हेल्पलाइन नंबर जारी करके उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। यही हमारी आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।